और अब बात रक्षा क्षेत्र में लगातार मजबूत होते भारत की। इसी कोशिश के तहत भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की एविएशन कंपनी डसॉल्ट से रफेल में एयर टू एयर मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियारों को लगाने को कहा है। ये मेक इन इंडिया के लिहाज से बड़ा फैसला है। इससे भारत में बने हथियारों के लिए ग्लोबल मार्केट भी खुलेगा। भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत है राफेल लड़ाकू विमान। अब ये फाइटर प्लेन और भी ज्यादा ताकतवर बनने जा रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने राफेल बनाने वाली फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन से राफेल को मेक इन इंडिया हथियारों से जोड़ने को कह दिया है। अगर इस दिशा में बात आगे बढ़ती है तो ये मेक इन इंडिया के लिहाज से अहम कदम साबित होगा और भारतीय हथियारों के लिए ग्लोबल मार्केट खुलेगी। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने दसॉल्ट एविएशन से राफेल को अस्त्र मिसाइल से लैस करने की मांग की है। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। अस्त्र मिसाइल 100 किलोमीटर के दायरे में कोई भी लक्ष्य भेद सकती है। जल्द ही इसकी क्षमता बढ़ाकर 160 किलोमीटर कर दी जाएगी। भारत चाहता है कि राफेल को DRDO की विकसित मिसाइलों और दूसरे हथियार से लैस किया जाए। अगर ऐसा होता है तो भारतीय वायुसेना राफेल का और बेहतर इस्तेमाल कर पाएगी। वायुसेना के पास अभी 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं, वहीं नौसेना के लिए भी 26 राफेल लाने को मंजूरी दे दी गई है। रूस में बने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI में पहले से ही स्वदेशी हथियार लगा दिए गए हैं। इसके अलावा LCA तेजस विमान भी मेक इन इंडिया हथियारों से लैस है। भारत के अलावा फ्रांस, मिस्र और कतर जैसे देश राफेल का प्रयोग करते रहे हैं। कई और देश इस फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी में जुट चुके हैं। अगर भारत राफेल को मेक इन इंडिया हथियारों से जोड़ने में कामयाब रहा तो उसका ये कदम मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसके जरिए वो हथियारों के वैश्विक बाजार में कई बड़े देशों को पछाड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।